Dear students, I am Sanjeev Kumar from KVM Education Channel. बच्चे जो आज मैं लेके आया हाँ वो है 12th class का जो new syllabus है term 2 का, ठीक है वो लेके आए तो नाल मैं important notes लेके आए English से, ठीक है तो आप discuss भी करांगे paper ते जो आने वाले lessons है उन्होंने कुछ important part चाहे theme भी हो सकता है वो हो सकता है कोई character sketch होगी, ठीक है बच्चे तो आप डिस्कशन भी लवेंगे ये आप सिलेबस है जो सैकेंड टर्म का वह भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे जे अजे तक तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब किया तो प्लीज़ नीचे जो सबसक्राइब का बटन है ना रैड नज़र आ रहा है उन्होंने क्लिक करके ब्लैक कर लो ता जो गांह जो भी वीडियोज़ मैं डाला वो इंटीमेशन तुम्हें पाँदी रही है, राइट तो तुम कोई भी वीडियो मिस ना करो। बच्चे जो स्टार्टिंग आप गल करते हैं सिलेबस का जो स्टार्टिंग है वो है लैसन फॉर इंटेंसिव स्टडी जानी उस लैसन आने वाले है तो उन्होंने फोर लैसन है अपने इस बार द स्टोरी ऑफ माई लाइफ टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना इन सैलीब्रेशन ऑफ बींग अलाइव एंड गदरी बाबाज इन कालापानी जेल। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरस्टिंग चैप्टर है, जो तुम पढ़ोगे तो थोड़ा मन लग जाएगा तो इन्हों थोरूली ही पढ़ना है। बच्चे इस तो बाद जो आप पॉइंट की गल करिए जो सैकेंड टर्म के आने वाली है उन्होंने है फादर रिटर्निंग होम द रोड नोट टेकन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बहुत ही सुंदर पोइम्स है, पढ़ के तुम्हें मजा आ जाएगा जिन्होंने आप कह दीए जी। लैसन की गल करिए आप जो सैकेंड बुक है वो लैसन आने हैं द गोल्ड फ्रेम द बार्बर्स ट्रेड यूनियन द बुल बेनीथ द अर्थ। जे बच्चे आप ग्रैमर की गल करिए हूँ तो ग्रैमर के आएगा जी यूज ऑफ नॉन फिनिट्स वॉयस ट्रांसलेशन इंग्लिश टू पंजाबी टू और हिंदी एंड पंजाबी हिंदी टू इंग्लिश यानी इंग्लिश टू पंजाबी करनी भी आएगी तो की आएगा पंजाबी तो इंग्लिश बनानी भी आएगी, ठीक है यानी ट्रांसलेशन भी आएगी तो रीट्रांसलेशन भी आएगी, ठीक है बच्चे। सिलेबस थोड़ा बहुत ईजी है जो आप लेके चलीए जी। कंपोजिशन की गल करिए, ठीक है तो प्रेसी राइटिंग आएगा, लैटर राइटिंग आएगा, एक्सप्लेन न्यूज़पेपर हेडलाइंस आएगा तो ईमेल राइटिंग आएगी। देखो पुराना वही चीज़ है लैटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग तुसी सैवंथ क्लास सिक्स क्लास तो करते आ रहे हो इंग्लिश। न्यूज़पेपर हेडलाइंस है बहुत ही ईजी है, ठीक है एक अद्धी लाइन ही लिखनी होंगी है भी, ईमेल राइटिंग भी एक अद्धी लाइन लिखनी होंगी है, बहुत ही ईजी आ गया। बस जी प्रेसीज राइटिंग है यही थोड़ा सा जो आप कह दी लेंथी है। जे आप पेपर की गल करिए बच्चे जानि कि किस तरह होएगा ये तो 2 आवर्स का थोड़ा जो पेपर होएगा वो 40 मार्क्स हो गए। 40 मार्क्स के किस तरह डिवीजन की गई है उन्होंने तो पहला शोर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जी लैसन के आने हैं इंटेंसिव तो एक्सटेंसिव स्टडी के 2-2 मार्क्स से आने हैं। ए पार्ट भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं तो बी पार्ट भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं यानी 4 मार्क्स से ए पार्ट 4 मार्क्स बी पार्ट तो 8 मार्क्स तो ये हो गए। तो सैल जो सेंटर आइडिया ऑफ द पोइम्स है 1 out of 2 पोइम यानी कि सेंटर आइडिया आना पोइम के, ठीक है वो 3 मार्क्स आएगा, ठीक है यानी आप मान के चलिए 8 मार्क्स का ए पार्ट आ गया एक्सटेंसिव तो इंटेंसिव स्टडी 3 मार्क्स की इस पार्ट चो आ गया। इस बाद लोंग आंसर ऑफ जो क्वेश्चन हो गए इंटरनल चॉइस इंटेंसिव तो एक्सटेंसिव के 4 के इधर 4 के इधर तो कि हो गया 8 के ए हो गए, ठीक है यानी जे आप बुक पार्ट करिए 8, 8, 16, 3, 19 मार्क्स का यह टोटल आ गया इस पास्यो। हुण आप ग्रैमर की गल करिए देखो भी उहदे विच की होएगा बच्चे तो यह भी 19 मार्क्स की है तो गुड हैंड राइटिंग 2 मार्क्स है थोड़े यानी 19 की बुक है 19 की ग्रैमर है तो उहदे चो डू एज डैक जिवें बॉयस आप कीती सी नॉन फिनिट्स सी ट्रांसलेशन रीट्रांसलेशन सी उन्हां दे विच 2 मार्क्स बॉयस है 2 मार्क्स की नॉन फिनिट्स है 1 मार्क की ट्रांसलेशन ते रीट्रांसलेशन है यानी जो टोटल देखिए 6 मार्क्स हो गए। पैसी राइटिंग की गल करिए बच्चे तो 5 मार्क्स की है, लैटर राइटिंग 5 मार्क्स की है, न्यूज़पेपर हेडलाइन है जी ओहो जा ईमेल राइटिंग है वह 3 मार्क्स की है यानी इन्हों की है और है तुम दोनों चो कोई भी कर लो अच्छा है यानी जे आप करिए ईमेल भी ईजी है तो न्यूज़पेपर हेडलाइनस है वह दित्तियां होंगे नियर अबाउट 20 हेडलाइनस है जो उन्होंने याद कर लिए तो उन्होंने एक जरूर आ जाती है, राइट तो इस तरह नाल ए हो गई जी 19 मार्क्स तो 2 मार्क्स जे है वो तुम्हें कह दिए गए गुड हैंड राइटिंग देती है यानी 40 मार्क्स हो गए कंप्लीट।
बच्चे जो मैं तुम नोट्स के सी उदी गल कर रहा हूं, मैं फिफ्थ लेसन है जो हेलन कैलर द्वारा लिखा गया द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ जी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के जी आप इंपोर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं उन्होंने की है उदी आप कह सकते हैं भी पहला हेलन कैलर है वो गिफ्टेड परसनैलिटी से बहुत सुंदर सी जो बच्ची छोटी सी हार्ड वर्किंग हार्ड वर्कर से स्ट्रोंग विल पावर से उसकी फिर की होया उन्हों हाई फीवर होया ठीक है ब्लाइंड होगी तो डीप होगी ठीक है जी जिन्हों सुनाई नहीं दिता सी तो जो 19 की ए मंथ की एज हुई जानि कि वह बहुत टाइम मुश्किलों से उसने क्ढ़िया जो बच्चा आप कह दिए सारा कुछ दिसद वह फिर इदू बाद ब्लाइंड होंगे दिखना बंद हो जाता है सुनना बंद हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ हो जाती है उसकी तो इदू बाद 19 मंथ है जी एट द एज ऑफ 19 मंथ से रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्युनीकेशन के लिए उन्होंने रिमार्केबल गिफ्ट मिले जानि कि समझ सकती सी सुननी सुनती नहीं सी देखती नहीं सी फिर भी वो कम्युनीकेशन स्किल बहुत अच्छे से जो 3 मंथ की सी बिफोर 7th बर्थडे उसका शी मैट अ टीचर एना मैंसफील्ड इज सुलिवन एस मिली राइट ओवरकेम हर फिजिकल बैरियर से अपने काबू पाना उन्हें सीख लिया हौली हौली टीचर की मदद न रोट हर आटोबायोग्राफी लिखी उसने 22 इसकी एज के अपनी जीवनी लिखी इवन ब्लाइंड एंड डीप कैन लीड एंड एडवेंचरस लाइफ भी किस तरह डीप तो ब्लाइंड है वह किस तरह अपनी लाइफ है जी एडवेंचरस लाइफ जी सकते हैं ठीक है वह दिखाने की कोशिश की है ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है राइट तुम जरूर पढ़ना तो इंस्पीरेशन जरूर मिलेगी तो कुछ करन दी क्योंकि आप व्यक्ति हैं जेडे सब कुछ होंगे हुए कुछ भी नहीं कर पा रहे ठीक है होर ही कुत्ते भगाइयां च लगे हुए हैं नीयरली 10-12 आवर्स आप मोबाइल से कटते हैं वो नालों की है भी बैटर देखो कि जी लोग होंगे है ये जिंदगी जीन की किन्नी क्रियोसिटी होंगी उन्होंने ये उसका करैक्टर स्कैच है ठीक है ये आप हमी करके हटे हैं वो लैसन नहीं सी ये करैक्टर स्कैच के मेन पॉइंट्स है सेम उही चीज़ है बच्चे जी आप गल करिए गदरी बाबा इन काला पानी जेल डॉक्टर हरीश के पुरी की लिखी हुई है ठीक है वो जी स्टोरी है ये उसके मेन पॉइंट्स है दिता गया भी किस तरह नैरो सैल सी जिहड़ा काला पानी की जेल होंदी सी एक तरह का आप कह सकते हैं भी आईलैंड से जोड़ा चारे पास पानी घिरया हुआ सी यानि मौत ही सी उत्थे होर कुछ भी नहीं सी फिर जी सुपरडेंट च पुलिस होंगी सी वह कि खतरनाक होंगी सी निकलना उतो कि मुश्किल हों टॉर्चर किमें हों लोगों के नाल कि भयानक वैदर होंगे सी ठीक है गंदे सैल होंगे जिते वह रेंदे सी मास्किटोज होंगे सी लीचेज होंदिया सी फिर उन्होंने दसिया भी भोजन किस तरह का सी उन्होंने जेलों के किस तरह काम कराया जाता से उन्होंने तो किमें उन्होंने घोड़े लगाए जाते 30 बाइब्स लगाए जाते ठीक है कि उन्होंने तो कोलू तो तेल वगैरह प्रोड्यूस कराया जाता सी फूड की क्वालिटी किस तरह की सी ये सारा कुछ दिता गया बच्चे इन ध्यान देखना है फादर रिटर्निंग होम है बहुत ही प्यारा लैसन है दिलीप चित्रे जोड़ा है वो पोइट है वर्ड इज फुल ऑफ हरी एंड वरी दी लोग की है भजी नठी जाते हैं ठीक है हर एक ए मैं अगे निकल जा दूजे नालों हर एक बिजी अपनी लाइफ के बीच अज की लाइफ के मुताबिक कई की है नोबडी हैज टाइम फॉर अदर किसी को दूजे व्यक्ति के लिए कोई समा नहीं है ठीक है ना ओल्ड मैन इन द पोएम सीम्स टू बी अलाइनेटेड होंगे जो आदमी है उन्होंने लगता है मैं अलग छड़ता गया है ठीक है भी मैं किसी की जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं रहा वह खुश नहीं है इस बिजी लाइफ के आले दुआले जी हैगी है जो उस टाइम ही नहीं कट पा रही वो फील करता है अनईजी फील करता है इस दुनिया के ड्रीम्स ऑफ अनसैसटर्स एंड ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चिल्ड्रन के ड्रीम्स लैंदा है वह ठीक है सुपने आते हैं उसनों कंफर्टेबल हिज पास मैमरीज वो अपनी जो बीता समा सी अच्छा समा सी प्राइम टाइम से उन्होंने याद करके ही खुश होंदा है ठीक है जी बहुत प्यारी स्टोरी है किस तरह बजुर्ग जोड़े है फील करते हैं इस दुनिया के अपने आप को इकला महसूस कर रहे हैं रोड नो टेकन बहुत ही प्यारी पोएम है जिस दस्या गया है भी अपनी जिंदगी दे दो रस्ते आने हैं वो दो रस्तिया जिहड़ा रस्ता जाने कुछ समा आता है जो अपने कुछ चूज करना पैदा जिंदगी दे ठीक है मन के चलो तुहानू तुसी जो बी ए या एम ए कर गए तो अगर दो रस्ते हो गए भी असं मैरिज कर लिए जगह होर पढ़िए जो प्लस टू कर लेने तो दो रस्ते होंगे भी इतने ही तुम नैक्सट स्टडी करनी है कि बाहर जाना है ठीक है वो दोनों रस्ते जी अलग अलग है ना तो जी एक बार बाहर चले गए इतने वापस आना है
जे आ भी गए फिर बाहर ही जाओगे ना तुहाडी जिंदगी होर होएगी, जे तुसीं बाहर चले गए, जे तुसीं इत्थे रह गए तुहाडी जिंदगी होर होएगी। तो वह चॉइस होंगी है जिन्हां नूं आपां एक बार चले गए तो उत्थों फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। आपां दूर दूर तक देख सकते हैं भी उन्हां दी लाइफ किस तरह की है, ठीक है ना। तो कवि कहिंदा भी मैं ऐसे रस्ते जाना चाहुंदा है जिथे जो ज़्यादा लोग नहीं गए, ठीक है, जो लोग जिथे सारे लोग जाते हैं भी मैं वह रस्ता नहीं जाना चाहुंदा, जिथे कोई नहीं जाता, बहुत मुश्किल नाल कोई आता है तो मैं उस रस्ते ते जाना पसंद करता है। इस तो बाद बच्चे गोल्ड फ्रेम है आर के लक्ष्मण दी, उहदे विच की है भी दिखाई दिता है भी लोग चमक रख ज़्यादा देखते हैं, एक फ्रेम दे जाता है व्यक्ति है जिहड़ा बन्ना तो अपने दादा जी की फोटो का फ्रेम हुंदा है, वह चूज़ करता है भी मैनू आह फ्रेम लगा दो, एक गोल्डन फ्रेम चूज़ कर लैंदा है, जिहड़ा दिता हुंदा वह तो फ्रेम है जिहड़ा खराब हो जाता सारा, फिर वह की है उत्ते ही रंग डिग पैंदा है खराब हो जाता है, फिर वह आता भी मैं इसनों किवें सैट करा, वह की करता है कोई होर बजुर्ग की फोटो लैके एक बहुत सोहने फ्रेम के लगा दिंदा है, जो व्यक्ति आता फ्रेम वाल ही देखता है भी फ्रेम किस तरह का है, ये तू इस रोट होना चाहिए सी फ्रेम, ठीक है, परंतु बजुर्ग वाल देखता ही नहीं है, तो वह बहुत अच्छा इन्होंने पोर्ट्रेट किया है। फिर चंदू है, ठीक है, भी एक जिन्होंने आप कह दी एक बारबर बन जाता है, एक गरीब परिवार च होंगे नेटर का दोस्त होंगे वो एक बारबर बन जाता है, बाद दे विच की है वह एक हौली हौली रिवोल्ट करता है भी पहला की होंगे सी बारबर लोगों के घर जाके बाल कट के आने पैंते रिवोल्ट करता है, तो वह की करता है वह कहता भी लोग अपने आप आना साढ़े को असी नहीं जावे, तो जिहड़े अमीर आदमी होंगे है वह इस चीज़ ना गुस्से होंगे है वह सारी यूनियन बना लैंदा बारबर की तो अपने नाल कर लैंदा है, तो उसकी मम्मा बहुत खुश होंगी है उसके काम तो। यह भी चंदू की मदद है भी किस तरह वह विधवा है, किवें छोटी जाति संबंधित है, नेटर जिहड़ा है उसनू अच्छा समझती है, वह जो चंदू पैसे कमा लग जाता है तो उसकी माँ बहुत खुश होंगी है, वो जिंदगी दी काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं क्वालिटीज़ है, वो लगभग 60 साल की है तो उसनू गुस्सा बहुत आता है, ठीक है ना। तो बच्चे ये हो गया टोटल, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बिफोर गो, बाय, थैंक यू वेरी मच।